गया तुम हार गई। उचित नहीं है ये, छल है। प्रेम और युद्ध में तब उचित होता है। शिप्रा, शिप्रा, दुर्धरा, इतने क्रोधित क्यों हो तुम? क्योंकि शिकार करना है मुझे। अपने भाई सेनापति भद्रसाल से कहो शिप्रा कि अपने सैनिकों को आदेश दे, पिपलीवान के राजकुमार का झुका हुआ सर चाहिए हमें, उसे हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। मगध की राजकुमारी की अनुमति के बिना जाने के लिए वो हमसे क्षमा मांग सके। जाओ उसे लेकर। राजकुमारी, रक्त का प्रभाव कभी जाता नहीं। अंततः धनानंद की बहन जो हो। क्या कहा तुमने? उचित ही तो कह रही हूँ। मगध के सौभाग्य है कि तुम यहाँ की राजकुमारी हो। यदि सिंहासन पर बैठती तो न जाने क्या क्या करती। उस साधारण से दास के लिए राजसी क्रोध व्यर्थ कर रही हो। शब्द बोलने से पहले चुन लिया करो दासी। वो दास नहीं था, पिपलीवान का राजकुमार था, एक सच्चा राजकुमार। राजकुमार? धरा, वो एक साधारण सा दास ही था जिसे हमारे महान सम्राट ने पुरस्कार के रूप में एक दिन का राजकुमार बनाकर राजसी सुख भोगने का अवसर प्रदान किया। सत्य बताओ, तुम राजकुमार हो या नहीं? बल हथियार में नहीं, व्यक्ति के हृदय में होता है। तलवार पुत्र की हो या पिता की, प्रहार उस पर निर्भर करता है कि तलवार किसके हाथ में है। उसका इतना दुस्साहस, हमसे झूठ बोला? राजकुमारी के साथ उसने छल किया? साहसी होने के साथ साथ भाग्यशाली भी है। तभी तो एक वास्तविक राजकुमारी एक तुच्छ से दास के लिए स्वयं को कष्ट दे रही है। उसे तो मैं बाद में देख लूंगी, पहले तुम्हें तुम्हारे दुश्मन। जाने दो इसे, अपने पुत्र को खोकर मानसिक संतुलन भी खो बैठी है ये। देख क्या रहे हो, ले जाओ इसे यहां से। अपने भाई को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, वो तुच्छ दास मेरी स्मृति में भी रहने के लायक नहीं है। इसलिए उस पर मगध का समय और सैनिक दोनों व्यर्थ करना उचित नहीं। मेरा प्रयास सफल रहा, अब मेरे चंद्र के पीछे मगध से कोई सैनिक नहीं जाएगा।